वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल इन वे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग घर से। जैसे कि अभी मैंने ट्रैवल किया है उत्तराखंड के लिए, तो वो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसको कंप्लीट होके बहुत टाइम हो गया है। तो अभी एक लंबा सा रेस्ट था, लंबे से रेस्ट के बाद मैं सोच रहा था क्या करूँ बहुत दिन से, कि हाँ व्लॉगिंग करनी चाहिए, घर पर कैसे व्लॉगिंग करते हैं। तो अब उसके बाद मैंने सोचा आज कैमरा उठा लिया जाए, घर पे तो बहुत दिन से कैमरा रखा ही हुआ था, रखे रखे ये फीलिंग आ रही थी कि आज करेंगे कल करेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह सुबह उठते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, देखते हैं क्या। अभी मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो बेसिकली मैं आपको किसी ट्रैवल के बेस पे दूंगा, लेकिन हाँ निकलते हैं, पूरा दिन सर्च करते हैं, कंटेंट तो चारों तरफ है, कुछ ना कुछ शूट करेंगे। बस ये है कि आपको पसंद आए, आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा डेली व्लॉगिंग का कंटेंट तो फिर बहुत मज़ा है मेरे लिए, बहुत आसानी हो जाएगी डेली व्लॉगिंग। अगर आप लोकल्स में ही अपने शहर अपने कस्बे से कहीं निकल के जा रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई अप्रिशिएट करे, तो वो एक फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे कि अभी मैं वॉक करते हुए जा रहा था तो आतिफ भाई मुझे मिले, तो उन्होंने मेरा देहरादून वाला व्लॉग देखा होगा, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की और बोला कि एकदम प्रोफेशनल व्लॉग था तुम्हारा, जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि तुमने स्टार्ट किया है अभी, बहुत ही अच्छा था। तो मुझे मतलब जब आपके लोकल्स के लोग जो आप कर रहे हैं उस चीज़ से आपको जानने लगते हैं तो यार वो फीलिंग अलग होती है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज इस चीज़ को जान के। सो आई थिंक यार जो मैं अभी तक सोच रहा था, मतलब कि मैं आज उठूँगा कल उठूँगा व्लॉग करूँगा, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने व्लॉग की डेली स्टार्टिंग सुबह जल्दी उठ जाऊँ, ठीक है, सुबह सुबह उठ के इन रोड्स पे आ जाऊँ अपने हाईवे की तरफ, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि व्लॉग्स में क्या है, अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो रूटीन में रहता है, मतलब वो कंटिन्यू रहता है। अगर आप कैमरा रखा हुआ है कुछ नहीं बोल रहे तो दिमाग में ख्याली बुलाव चलती रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बोलते चलते चलते, यार ये बात सही है कि मतलब तुम दिमाग से सोचो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, और बस स्टार्ट कर दो तो सब आसान। जैसे कि कल मैं बहुत नेगेटिव फीलिंग में भी था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जो ठीक हो, जो आपको भी अच्छा लगे, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि भले ही मैं बोलूं आपके सामने, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं होगा, एंटरटेनिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ भी बोल रहा हूँ आपके सामने बोलूँगा, उसको डालूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। मैं अपने चैनल को इतना गैप नहीं दे सकता कि भाई आठ आठ दिन बाद वीडियो डाल रहे हो, भले ही मेरे पास कोई ऐसा ख़ास कंटेंट ना हो, लेकिन मैं आप लोगों से कम बात तो कर ही सकता हूँ। बात करने के लिए आपसे बात कर लो, आके वीडियो डाल दो, शायद आपको ना पसंद आए, कुछ अननोन व्यूअर्स आ जाएँ उनको ही पसंद आ जाए, तो ये मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा और मैं डालूँगा। आज मैं थोड़ा माइक भी चेक कर लूँगा कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है, अगर इसमें वॉइस अच्छी आ रही है तो फिर तो बढ़िया, अब मैं माइक लगा के ही व्लॉगिंग करूँगा। सो अभी हम जिस पॉइंट पे हैं, रिसेंटली मतलब दो तीन बार अभी हमने यहाँ पार्टी करना स्टार्ट की है। सद्दाम भैया का पीछे पार्टी स्पॉट है, जहाँ पे हम चिकन विकन कुछ बनाते हैं, बहुत मज़ेदार, मतलब यहाँ बहुत अच्छा लगता है यार, हवा हवा चलती रहती है बढ़िया, मतलब यार अपने यार गांव यार अपने शहर की फीलिंग ही अलग होती। देखो मतलब सुबह सुबह यार हम लोग किस चीज़ को मिस करते हैं, मतलब सुबह यार हम लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देते हैं सो के, मतलब सब जानते हैं इस चीज़ को लेकिन करता कोई नहीं, शायद ही मैं भी डेली ना कर पाऊँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली सुबह जल्दी उठ के आऊँ। मतलब एक इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है इन सब खेतों को देख के, हरे भरे खेत, जैसे कि ये इसमें कुछ होने वाला है नया, कुछ फसल पैदा होगी, मतलब आलू का ही लग रहा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया, मतलब नेचर यार, मतलब सही है यार, मज़ा आ जाता है सुबह सुबह देख के। तो यार जो लोग नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें मेरे चैनल को, जैसे कि ग्रोथ तो मेरे चैनल की बहुत अच्छी हो रही है, मेरे जो भी दोस्त हैं उनका बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्टिवली काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सब्सक्राइबर गेन कराए हैं मेरे चैनल के लिए, उन्होंने बहुत सब्सक्राइबर दिए हैं मुझे मेरे चैनल के लिए, खुद भी वो अगर लोगों से मिलते हैं तो सब्सक्राइब करवा ही देते हैं। तो बस यही है यार कि जो लोग भी देखते हैं वो अच्छे से देखा करें पूरा व्लॉग, उसको कुछ मतलब अगर आपको ना अच्छा लगे, मैंने बोल रखा है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल भी आपकी बात को माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा आपसे। अभी जो वेदर चल रहा है ऑटम विंटर,
पतझड़ का मौसम, ये मेरा मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट वेदर मौसम जो भी कह लो अब वो है। और मतलब बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप अभी तो शायद इतने रोड पे पेड़ वेड़ नहीं होते तो मतलब पत्ते नहीं दिखते आपको, अगर आप किसी बाग वाग में हो या फिर रोड पे किसी जगह पे बहुत सारे पेड़ हों तो आप देखेंगे दोपहर के टाइम में, मैंने देखा है अक्सर ज़्यादातर बहुत हवा तेज़ चलती तो पत्ते गिरते, मतलब बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है, मज़ा आता है पतझड़ का मौसम। तो आप में से किस किस को पतझड़ का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को बताना, मेरा तो फेवरेट है ये। मेरा अगर ये ट्रिप जो मैं प्लान कर रहा हूँ अपने लिए ये सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब कि इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं पैसे खर्च कर दूं और चला जाऊं, इसके लिए मेरे को परमिशंस की ज़रूरत है। स्पिति इको स्फेयर करके एक ट्रस्ट है, मतलब एक एनजीओ कुछ भी मान लो, जो स्पिति में कल्चरल मतलब कि वो जो उनकी सफाई के लिए या उनके रख रखाव के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैंने परमिशन तो सबमिट कर दी है उनसे, अब वहाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि वहाँ से क्या मेल आता है। तो मतलब अगर आता है तो रमज़ान के बाद एक बहुत ही अच्छा ट्रिप होने वाला है, जो कि बहुत लंबा है, 1 महीने का चलेगा पूरा, मज़ेदार एकदम नेक्स्ट लेवल ट्रिप होने वाला है।